और दोस्तों साथ ही साथ मुझे भी यार। हेलो गाइज, वेलकम अगेन। तो आज भाई सुबह सुबह उठने के साथ में काफ़ी सारे अपने पास में काम भी है, तो अभी पहले सबसे पहले मुझे पौधों में पानी देने के लिए जाना है, जो कि उधर को रखे ना, और उनको पानी भी देना है। साथ में हो क्या रखा है कि कीवी की जो बेलें हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो इनके लिए मैंने पाइप काटे थे कुछ, जैसे ये वाले पाइप काटे थे, तो आज इनको लगाने वाला हूँ। मतलब कि यहाँ पर दोबारा लगाऊंगा, इनके लिए पूरा एक शेड बनाऊंगा ना, पूरा वायर का, तो आज ये काम भी होने वाला है। पानी लेकर तो पहुँच गए भाई, हाथ काफ़ी ज़्यादा थक गया। लगभग 200 मीटर तो है ही अपने घर से यहाँ तक ना, 200 मीटर ना भी होगा तो 150 मीटर तो है। बाकी यहाँ से आगे का मौसम देखो कितना खूबसूरत है। आज यहाँ से जो कलगट वैली दिखाई दे रही है ना, वो बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, और शाम तक लगता है कि बारिश आने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ना इस तरफ से काले बादल बन रहे हैं पूरे के पूरे। क्या सोनी मत चलिए क्या? अबे ये क्या खा? ये खा। एक ताजा खा। ये ऊपर ले गई बाल्टी। तो यहाँ पर दरअसल पौधे ही पौधे हो रखे हैं आजकल, और कुछ पौधे सूख भी रहे हैं। तो सूखने का रीज़न ये है इनका कि यार जहाँ से पौधे आए ना, इन पे जड़ दरअसल पूरी नहीं है कई पौधों पे, तो इस वजह से हो रखे हैं ये ऐसे कई सारे। ये देखो, तो मुझे लगता है कि जैसी बारिश होगी ना, बारिश तो बारिश में मुझे इनको ज़मीन में लगाना पड़ेगा सबको, जिससे कि इन पर फिर से जड़ आ सके दोबारा। नहीं आजा आजा आजा, ये देखो इनको कहते हैं टिकटॉकर, ठीक है? टिकटॉकर पे जान होती नहीं है भाई। इतनी बड़ी बाल्टी ला गई पानी से, तो दूर से 7 लीटर की बाल्टी है ये बस। देखने जी माँ जी डाल लगे इन तक दरअसल ये पेड़ इसलिए रुके हैं ना, यहाँ पे रोड नहीं बन पा रही है जहाँ पर हमें प्लांटेशन करना है ना, रोड ब्लॉक हो रखी है। रोड अगर जैसी बनती है तो यहाँ से फिर पौधे जाएंगे फिर आगे, और पौधे जाएंगे तो अच्छी बात है, जब तक नहीं जाएंगे रोड नहीं बनती है तब तक तो दिक्कत ही है। देखो पानी डाल के तो आ गया पौधों में ना, लेकिन नींद आ रही है भाई, बहुत तेज़ नींद आ रही है। और अभी हम अपना नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में हैं पतोड़े, और पतोड़े खाए जा रहे हैं चाय के साथ में अरबी के पत्ते के, करेलों के, चचिंडा पकड़े हो रहे, और चचिंडे, घिया, बैंगन, सब पत्तों के घिया, क्या बोलूंगा नमक, अलग अलग पत्तों के पकोड़े बना रखे हैं। मतलब ये कह सकते हो घास फूस खा रहे हैं आज हम, ठीक है? देख रहा क्या क्रंची हो रखा है। अभी ना नदी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल बहन को कल जाना है ना, तो उसके लिए कल के लिए लिंगड़े लेके आ रहे हैं, बोला लिंगड़े चाहिए उसको। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं और लिंगड़े लेके आते हैं थोड़ा बहुत। अब दिक्कत तो है, समस्याएं तो है, क्या करें, ठीक है? 2 दिन के लिए आना, 2 दिन में हमारा जीना हराम कर जाना, ठीक ठीक है? इसका ऐसा था मैं इसका तो अभी हम निमदरी खाल में आ रखे ना, दादी तंबाकू पी रही है, दादी नोड़ा यार इन्हें छल्ला बनाओ, छल्ला करके जरा बनाओ, छल्ला बनाओ। ये के कहना का दिए मम्मी चल ले, तुम तो मां जल्दी पी, तू भी फटाफट दादी बैठो, तुम भी पियो, नहीं खैर तो फटाफट तो ये सब ना कैमरे को देख के भागने। सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ ज्योति है यहाँ पे। चल ज्योति, मैं हूँ, चलो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मैं हूँ। तो यहाँ पर दादी को देखो, चले तुम भी जाना चाहे। चलते चलते ना लांगा धार में पहुंच गए भाई, बहुत गर्मी हो रही है यार। हाँ काफी गर्मी हो रही है, धूप नहीं है क्योंकि आज बारिश आने के चांसेस है, कल धूप थी तो आज बारिश पक्का आएगी, 110 आएगी। हम जाने वाले हैं यहाँ से नीचे, मतलब नदी में जाएंगे, नदी से आज ऊपर में जाएंगे सीधा, तो उस तरफ में तोड़ेंगे आज लिंगड़े, ठीक है? और हमारे यहाँ पे कहते हैं एक निखाण पे लिंगड़ा तू यार भाई तो आज हम वहाँ पे जाएंगे और लिंगड़े लेके आएंगे आज ना। तो इनको लगता है कि मैं नहाया नहीं सुबह सुबह ना, कपड़े चेंज किए मैंने,
बिना नहाए थोड़ी ना चेंज करूंगा। दो तो है नहीं और... निकाल के वैसे ही। तो आज ना मेरे ये हाथ भी गले भी ये पूरा वाइट सा दिख रहा होगा। हाँ, इसका रीजन ये है ना कि आज मैं वाइटनर से नहाया पूरा। वाइटनर होता ना स्किन वाइटनर, वो लगाया मैंने चेहरे से ऊपर से गर्दन तक यहाँ तक हाथों में बाजुओं में घुटने पे पाँव पे ना, तो पूरा लगाया तो इसलिए आज बिल्कुल थोड़ा चमक आ रखी होगी ना हाथों पे। आज काले नहीं होंगे हाथ। उम्र चली गई यार। कोई बात नहीं यार, अभी नहीं निकालूं तो बाद में निकाल आराम से बैठ के। अबे यार इधर तो सुन नहीं लूट रहे नहीं वाइटनर। नहीं नहीं हां वो जो बात वाइटनर नहीं वाइट टोन। अच्छा वाइट टोन है यार, वाइटनर नहीं है। अरे यार भाई ये पत्ती तोड़ने है यार। अरे ठीक है यार। अच्छा वाइट टोन कहते हैं बोला यार, वाइट टोन ना वाइट टोन बोलते हो। वाइटनर मैंने सोचा वाइटनर है यार, हम तो यही बोलेंगे भाई, हम जो ब्राउन मुंडे है ना उनको अगर थोड़ा सफेद करना अपनी स्किन को तो वाइटनर ही बोलेंगे हम लोग भाई। वाइट टोन तो उनके लिए जो ऐसे हैं पहले से ही सफेद लोग, वो बोलेंगे कि वाइट टोन हो जाए। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए, तो आज मैं आपको वाइट टोन दिखाऊंगा। वाइट टोन मम्मी जाएगी भाई गुड़िया। तो यह कपड़ा सीधा फुंड हो जाए, यह कपड़ा सीधा वखा। हाँ अरे कोटा निकल ला फिर। तो यहाँ से ना मम्मी जा रही है, यहाँ पे लिंगड़े हो रखे हैं नीचे, वहाँ पे जा रही है। और ये मैंने खोजा एक ये वाला मैंने खोजा। तो क्योंकि अब जो देहरादून में रहता है ना उनकी बस की है नहीं, हम क्या कहते हैं ये खाना बोदर होगी बस, खाना बोदर। तो देहरादून वाले लोग ना सब खाना बोदर होते हैं, खाना बोदर सारा खाना बोदर काम बोदर। पुरानी वाली कूल जाती थी ना हमारी, ये वाली जाती थी दरअसल, इसी पे पानी जाता था। ओए खोखला यूं से जल्दी आता है ना। हाँ बिना कूद जल्दी। हाँ तो यहाँ पर ना हम क्या करते थे, ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ तक था और हम यहाँ पर बांध बना के और फिर यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाते थे और तब नहाते थे यहाँ पे। और अब तो देखो अब पूरी कूल भी बह गई, ये बांध भी बह गया यहाँ का पूरा का पूरा। तो गाइस क्या झिलपड़ पड़ जाऊँ हमारा भाई। देखो गाइस पहले मैं जाती हूँ आराम से, फिर और चल रहा मैं चिप ले गई यहाँ पतड़म, तो कोई फायदा नहीं है। फिर देखो उसको हैवी ड्राइवर बन रहा बहुत, वो देखो वो लंगड़े टिप रहा है गाइस लंगड़े। अभी ना हमने थोड़ा बहुत लिंगड़े तोड़ दिए, ये वाले इसमें इतने सारे तोड़ दिए, और थोड़ा बहुत ऊपर को तोड़ेंगे। कैमरा की बैटरी भी यार आज चेंज करना भूल गया मैं, बैटरी आज रह गई मतलब चेंज करना, तो आज फिर से थोड़ी बहुत बची है बस बैटरी। आजा 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 आजा। इसके दरअसल ना तीन दांत नकली है। आगे वाले ना ऊपर वाले तीन दांत नकली है, तीन नहीं है यार, एक है। अगर टूट गया तो गया फिर से दांत मेरे। ये वाला छोटा सा झरना देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। छोटी थी ना तो मैं उस टाइम आई थी, मतलब इधर मम्मी के साथ आई थी, तो उस टाइम मम्मी के साथ घास काटने आई थी इधर। तो यहाँ पे एक चिंगम का पेड़ है, तो उस पर से मैं पहले बहुत चिंगम खाती थी, मतलब मैं क्या वो बहुत सारे मैं दिखाती हूँ आपको। चलो है वो पेड़ जब हम छोटे थे ना बचपन में, मम्मी के साथ घास काटने आई थी, मैं इस पेड़ पे बैठ जाती थी मैं। ये उधर वो मम्मी ऊपर जा रही है, मम्मी को देखो वो मम्मी, और इधर भाई लिंगड़ा निकाल रहा है वो। मुझे तो लिंगड़े टिपने आते हैं नहीं निकालने, तो मैं बस बैठी हूँ देख रही हूँ मम्मी और भाई को कि कैसे कैसे निकालते हैं बस। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो रखी हूँ और कुछ नहीं, भाई को देखो उधर दिख भी नहीं रहा है, बोल रहा है यहाँ पे इतने बड़े बड़े लिंगड़े हैं कि एक के लिए एक ही काफ़ी है बस और कुछ नहीं। देखो इस जगह हॉर्न मूवी वाला सीन लग रहा है बस, मुझे कोई डर
बहुत पहले आई थी, मतलब बहुत पहले। तो देखो और मम्मी तो झाड़े के अंदर घुस रखी है, वहाँ दिख ही नहीं रही है बारिश। ये गाइस कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा। तभी तो बोल रहा भाई कि एक के लिए एक ही काफ़ी है। ये देखो तो कितने सारे लिंगड़े टिपे मम्मी ने, लिंगड़े निकाल निकाल के ला गई मम्मी अभी। हाँ लो दो। इतने सारे लिंगड़े टिपके लाई मैं, देखो टिप को, थक गई मैं थक, इतने सारे लाल आके देखो ये पूरे दा। तो दरअसल ना ऊपर से बहुत तेज बारिश आ गई, बहुत तेज, मतलब 5-10 सेकंड में ना देखो अभी आने वाली है, छाते के ऊपर आवाज सुनाई देगी। और मैंने घर पे बोला भी था कि छाता रख लो, छाता रख लो, अच्छा हुआ मैंने रख दिया, मतलब छाता ना एक। अब देखो आ गई बारिश, पर 2 मिनट बस 2 मिनट ज्यादा नहीं। हाँ तू नहीं क्या कर, ठीक है करना चाहिए। यहाँ पर देखो कितने सारे निकाल दिए लिंगड़े, नहीं सबसे परफेक्ट ये डाला ताल दो में मात नहीं हम, ठीक थे। चल जल्दी चल जल्दी, भाग भाग भाग। तो चलो 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 चलो। तो मेरे पास में तो छतरी है भाई, लेकिन बहन और मम्मी दोनों भीग गई हैं। लेकिन छतरी में यार पता है क्या है, ये सुराखें हो गई है, पानी टपक रहा है इसके अंदर, ऊपर से मैं भी भीग गया हूँ। देखो इधर को पानी दिख रहा होगा। अरे यार चुप रह, चलो फटाफट। ये देखो कैसा मौसम हो गया ना, बिल्कुल कोरा कोरा सा आने लग गया थोड़ा बहुत। और नदी में कुछ अगर कुछ टाइम ऐसी बारिश हुई ना तो नदी में भी पानी बढ़ जाएगा फिर। तो दरअसल ना काफ़ी दिनों से मेरे कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े थे, पूरे के पूरे ऐसे ना, पूरे ऐसे ही हो रखा था। तो मैंने सोचा यार जब ये आई रखी है तो कुछ नहीं कपड़े सही करके तो जाए, वैसे काम है नहीं अभी ना। और कपड़े इतने फेडेड हो रखे ना कसम से। चुपे कुछ कपड़े तही कर दिए कुछ वाले, ठीक है। और कुछ ये बचे हैं अभी, ये पूरे के पूरे हो जाएंगे आज, अब हो जाएंगे थोड़ी देर में। इतने फेडेड रख रखे ना, ये तो भी कर रहे हैं, ये अभी अच्छी कमीज चाहिए। देखो इतनी प्यारी सही मारती हूँ कपड़ों, क्या है। तो एक बार फटाफट से कपड़े तय कर लेते हैं ना, और फिर इसमें भर देंगे। फिर आलमीरा नहीं रखते हम गांव में ना, आलमीरा बहुत कम होती है क्योंकि कमरों में स्पेस भर जाता है बेसिकली ना, और आलमीरा मतलब लाने में ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत भी होती है कि बाजार से लेकर आओ, इसलिए क्या करते हैं कि बेड में या फिर अटैची या बक्से में ही रखते हैं सभी लोग कपड़े ना। तो अपने भी कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कर थोड़ा, ये कमीज दिक्कत ना। अच्छी अरे बहुत प्यारी कपर, इतने फेडेड कपड़े गाइस, किसे के होंगे तो बताना। बहुत जी आधे हैं जो 4 दिन से धुले ही नहीं है इसने, ऐसे रखे हैं। मुझे बोल रहा कि तू पहन ले इनको, कोई बात नहीं। क्या बताऊं, ये तेरे तो टी-शर्ट बनी हुई मेरी पहनी, सलवार भी मेरी पहनी। टी-शर्ट और सलवार दोनों मेरे ही है। तो हमने क्या किया है, जो इसने टी-शर्ट पहनी थी वो मैं रखूंगा, और इसका ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, वो टी शर्ट मुझे अच्छी लगी थी तो मैं उसे रख लूंगा, इसे लेकर जाएगी। तब भी इसने ऐसा नहीं बोला कि बहन कोई बात नहीं तू ये वाली मेरी तरफ से रख ले और अपनी टी शर्ट अपने पास रख ले, पर नहीं। और नीचे अब ऐसा है ना, देख पता क्या है, तू करती है नौकरी और मैं कुछ नहीं, ठीक है। और नीचे पता गाइस मेरा ना फेस वॉश रखा था पूरा, ऐसे नया है वो, गया परसों वॉशरूम में, उसने पूरे हाथ पैर धुल के आ गया, पूरे पापा को देखो बाहर रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर को मौसम देखेंगे ना तो बड़ा खूबसूरत हो रखा है, बस कोहरा कोहरा लगा है। और यहाँ पर रील बनाई जा रही है, डांस कर हो रहा है यार, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब मैं समझा कि इंस्टाग्राम पे जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं ना कैसे बनाते हैं एक्चुअल में। मतलब वीडियो में तो दिखता तो ऐसा है, अरे भाई साहब, लेकिन वीडियो ऐसी बनती है ऐसे। आजकल मेरे इंस्टाग्राम पर ना इसी के रील आ रहे हैं, मेरा फोन में आजकल रील बन रहे हैं बस, क्योंकि मेरे फोन का कैमरा अच्छा है ना यार कैमरा। दोस्तों
आज का मौसम हो रखा है बड़ा सुहाना और आज मैंने पहना है गढ़वाली ड्रेसअप, तो देख सकते हैं आप। और इस ड्रेसअप में मैंने भाई के चैनल में बहुत सारी वीडियो बनाई है, ठीक है, और उस पर जाके आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और क्या बोलते हैं साथ ही साथ मुझे ही फॉलो करना। जैसे मैंने ये पहना है इसे खुचला गत्ती बोलते हैं, और जो ये है हमारी नथ है, और ये जो ग्लोबन जो मेरे सर पे पहना है उसे साफा बोलते हैं। तो गाइस बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। यार शाम का मौसम है और शाम के मौसम में क्या बताएं, हल्की फुल्की ठंड भी हो रखी है ना, बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया हो रखा है, अच्छा खासा है। और बहन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया होगा, सोनिया नेगी 2 करके बताया होगा, तो इंस्टाग्राम पे उसने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस पोस्ट कर दी है मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ना, वहाँ पे जाके आप उसे भी फॉलो कर लेना, ठीक है ना। बाकी और क्या बताएं यार, और कुछ है नहीं, शाम का टाइम है, कोहरा लगा है चारों तरफ, हल्की फुल्की बारिश की बूंदें गिरी है, अभी तो नहीं गिरी है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गिर रही थी, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद गिरना फिर से शुरू हो जाएगा, तो विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे लगता है ना कि जो 2 दिन की धूप पड़ी है ना बीच में, उसकी वजह से थोड़ा सा ज़मीन यार काफ़ी ड्राई होगी। मैंने दरअसल पौधे देखे अपने तो ऑलमोस्ट मुरझा से गए थे, लेकिन अभी यह है कि मैंने सुबह पानी भी डाला था, अभी बारिश भी हो गई तो मौसम भी थोड़ा सा नीचे काम हो गया है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा मेंटेन हो गया होगा फिर से ना। अभी ऐसा करते हैं कि इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर लेते हैं, होपफुली आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।